मार्जिन होती रहे से ज्ञान धारे ही करे थे ऐसे गोयंका जी बड़े सुने धर्म और बौद्ध धर्म बुद्ध ने रखा कुछ बार मारा हमें बार मारते गए ये ज्ञान हमें हम पुनरुद्धार करे पुनरुद्धार कर ऐसे हमारे दशे लोग ऐसे ज्ञान का लाभ करो इतनी बड़े सुन। अभी हजारों साल से जो भारतीय बौद्ध है वो बौद्ध लोग बुद्ध का जो ज्ञान थे उसको भूल गया था, तो इसके लिए गोयंका गुरु जी ने जब बुद्ध का ज्ञान वर्मा के प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद में उन्होंने ऐसा सोचा जो ज्ञान भारत से उत्पन्न हुआ वो ज्ञान मैं भारत में जाके पुनः जागृत करेंगे। विशेष बुद्धि भारतीय सुनाम सुख्याति उत्तम हो इसके लिए जो भारत का जो ज्ञान है प्रचार प्रसार हुआ और दूसरा कंट्री में देशों में भारत का सुनाम बहुत वृद्धि हुआ था दूसरा कंट्री में। সে জ্ঞান না করতে পারে জ্ঞান স্তর আছে আমার সভাপতি মারব জ্ঞান সভাপতি ফল জ্ঞান সুখের আমি মারব জ্ঞান সুখের আমি ফল জ্ঞান অনাগামী মারব জ্ঞান অনাগামী ফল জ্ঞান হরত মারব জ্ঞান হরত ফল জ্ঞান হরত ফল জ্ঞান যারা লাভ করেন তারাই হল নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি নিরন্তর হয়ে আছি তাহলে একে আমরা কীভাবে বুঝতে পারো এইভাবে রতন কীর্তি বর্ণনা করা হয়েছে জাতিনটা ছিল পাঠাদিন চিত্তিয়া সাতুটি ভাতে আচম্পা কান্তীয় তাকে বামন সৎপুরুষের মেলামি বুদ্ধ সৎপুরুষকে বলেছেন যারা এই জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ স্তরে উপনীত হয়েছেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যাগ বলা হয়েছে লোকোত্তর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এই জ্ঞান যারা লাভ করবেন তাদের মানসিক অবস্থাতে কীরূপ হবে বর্ণনা করা হয়েছে কোন একটা স্তম্ভ বা খাম্বা আমরা যাকে বলি যদি মাটিতে পোদা হয় কাদা হয় যদি টর্নেডো উৎপন্ন হয় তাহলে ওই খাম্বাকে নাড়তে পারবে না আর কোনো ছেলে যদি তারা খাম্বার গোড়ায় পায়খানা করে দেয় মন ত্যাগ করে তার মনের মধ্যে কোনো ভাব উৎপন্ন হবে না আর যদি কেউ পূজা করে তার মনে আনন্দ আসবে না এমন হয়ে যাবে এই জন্য বুদ্ধ সে অরককে সৎপুরুষ বলে বর্ণনা করেন করা হয়েছে। বন্তজি যে জ্ঞান কে বারে মে ইতনা টাইম সে বাতা রহে ও জ্ঞান সুতাপত্তি মগ্গা জ্ঞান কে বারে মে বাতা রহে সুতাপত্তি ফল জ্ঞান কে বারে মে বাতা রহে কিছু করতাম মহিলা
जो उसे का ज्ञान प्राप्त होता है तो सज्जा नारद जो भी होता है आप कुछ जाके रह सकते ज्ञान में। तो ज्ञान क्या है? सत्य का ज्ञान सुतापत्ति सुतापत्ति माता सत्य का ज्ञान सत्य का ज्ञान माता पला अनागामी अनागामी माता पला और अरहंत अरहंत माता पला। तो अरहंत अरहंत माता पल वो क्या है और निर्वाण क्या है? वो है लोभ द्वेष मोह ये तीन चीज को खड़े करना। उन्होंने बता रहे वो तीन चीज को खड़े करना इतना आसान नहीं है, बुद्ध के लिए भी इतना आसान नहीं था। बुद्ध ने ये तीन चीज का मंत्र ऐसा बता रहा हर लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा वो चीज को खत्म करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। तो बुद्ध ने दीपंकर बुद्ध का टाइम में जब दीपंकर बुद्ध जा रहा था तो उन्होंने उस बुद्ध का पद मूल्य में उन्होंने याद किया था विश किया था मैं भी समापन बुद्ध को। उस जन्म से बुद्धि एक बुद्ध होने तक उन्होंने असंख्य जन्म तक एक कोशिश करता रहा समापन बुद्ध बनने के लिए लोग देश मोह को कह कर उसका धर्म अच्छे से मेरे को अच्छा लगा तो इसके लिए मैं अभी प्रबोधित होना चाहता हूँ, मेरे को परमिशन दे दो। तो राष्ट्रपति का मामा पापा ने ऐसा बोला आप हम लोग का एक पत्र लड़का है इतना बिजली है इतना पैसा है हम लोग के पास में आप कैसे सब पे जा सकते हैं, इसके लिए हम लोग आपको परमिशन नहीं दे। ओ सोने के बाद में राष्ट्रपाल ने क्या किया मंत्री ने नहीं दिया था सो गया था। सोने के बाद में ऐसा बोला आपको परमिशन नहीं देंगे तो आज से मैं भुटाने के घर में मर जाऊंगा। जब उस टाइम से उन्होंने पूरा खाना ग्रहण करके दे दिया वास्तु में राष्ट्रपति जी के माता पिता ने उसका जो बोल वो फ्रेंड साथ दोनों को मैसेज भेजा और गाने के बाद में
उसको उठाने के लिए कोशिश किया, तो राष्ट्रपाल जी ने ऐसा किया, आप लोग मेरे को खिलाना चाहता है तो पहले मेरा माता पिता के परमिशन देने के लिए। उसका फ्रेंड सर्कल ने क्या किया, उसका मामा पापा उनके पास गया, जाके ऐसा बताया आप लोग इसको परमिशन नहीं देंगे, तो वो लोग नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएगा, नहीं जाएगा तो मर जाएगा, मर जाएगा तो आपको चुके चला जाएगा, एटलीस्ट आप परमिशन देंगे तो वो भिक्षु होके जीवित रहेगा और बाद में आप उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद में उसका जो फ्रेंड सर्कल से साइकिल थे वो लोगों ने माता पिता को कन्विंस किया, कन्विंस करने के बाद उसको परमिशन मिला भिक्षु मानने के लिए। तो उसका पापा मामा जो भी थे वो बिलियनेयर थे, सोसाइटी में हाई आई क्लास का थे, उन्होंने कैसा उसका कंटेनर चला गया। उसके बाद उस टाइम के बाद से ऐसा पूरा गांव में ऐसा कुछ नाम दिया, ऐसा आइन लागू किया, कोई भिक्षु संघ का इधर का फिल्म पा नहीं है क्योंकि एक भिक्षु संघ आए है मेरा लड़का को देखेंगे। तो राष्ट्रपाल मानते जी ने भिक्षु होने के बाद में यहाँ अच्छा से उनके धर्मों की शिक्षा करके मेडिटेशन करके उन्होंने अरहंत प्राप्त हुआ। अरहंत जब प्राप्त हुआ तो बुद्ध के पास में जाके ऐसा बुद्ध को याचना किया, मैं मेरा पापा मामा को देखने के लिए जाना चाहता हूँ। तो बुद्ध ने राष्ट्रपाल मंदिर को परमिशन दिया, आप जाके देख के आओ। जब राष्ट्रपाल गांधी जी ने खुद का गाँव में गया भिक्षा के लिए, कोई भी लोग उसको भिक्षा नहीं दिया, उन्होंने बहुत चलिए
रसफल का जगह इधर में जो स्लेट थे दासी थे तो काम करने वाले थे, उन्होंने ऐसे बाहर में जा रहा था तो जाने के टाइम में उन्होंने रसफल का जगह बताया परीक्षा करनी चाहिए। देखने के बाद उसको पहचान लिया एक रसफल, तो उन्होंने घर में जाके वापस जाके बोला आपका लड़का इधर के रास्ते पर पंडित जी इधर में आया, ऐसा करके पापा मम्मा को मैसेज किया। तो रसमल का पापा ने स्लेट का काम वाले का बात से सुन के उन्हें रसमल बंधु के सामने गया जाके ऐसा किया कि आप घर में आए, तो यानी रसमल बंधु घर में आके खाना खाते हो, तो रसोल जी ने ऐसा बोला आप आज टाइम नहीं है, टाइम मोबाइल हो गया तो मैं आज आ नहीं सकता, तो उन्होंने ओके रसोल जी का पापा ने ऐसा बोला ओके आज काल आके भोजन ग्रहण करो। तुम्हें हमारे से देखो तो मैं हूँ हम लोग तो बड़े मैंने क्या शिक्षा को हर सही अंतर बदलती करो है जो तो संकोच करो सब तो मुश्किल दिन करो इन सब क्या हम मैंने हम मन मन को तुम्हारे तो राष्ट्रपाल जी का जो प्रेग्नेंट था उसके पापा ने ऐसा बोला राष्ट्रपाल जी के आएगा तो उसको कन्विंस करने के लिए कोशिश करो जाते वो इधर में रहना चाहिए, तो ऐसा किया और उन्होंने उसका प्रीवियसली सेकंड जनरेशन का जो धन संपत्ति है वो सबको एकत्र करके एक रूम में रखा। जब उनको खबर ऐसे जो तो रेस्टोरेंट बंधु जी ने जब घर में गया तो
और उसका जो वाइफ थे चार वाइफ, उन्होंने कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहा था। राष्ट्रपति जी ने बोला माँ जी आप लोगों ने हम लोग डिस्टर्ब मत कर। तो उसका वाइफ ऐसा सुन के सब सब लोग सेंसलेस हो गया था। तो पापा राष्ट्रपति जी का पापा उसके पास आया है। आज उसके बाद में पति जी पूछा आप मेरे को क्यों बुलाया है यहाँ। तो राष्ट्रपति जी के पापा उसको जिधर से धन संपत्ति का पूरा करके रखा था उस जगह में लेके गया। वो जगह में लेके जाकर सब रहे धन संपत्ति है ये सब आपका है। लेके जाने के बाद में पापा ने बोला सब सब धन धन संपत्ति जो भी है ये आप हम लोग का सेवन जनरेशन से कलेक्ट हुआ है जमा हुआ है तो ये आपका है। तो राष्ट्रपति जी ने ऐसा पूछा है जो सेवन जनरेशन है वो लोग इतना या काम करके धन संपत्ति को उठाना है वो लोग लेके ये धन संपत्ति को लेके नहीं गया ये तो इधर में सूख के चला गया। आप ही जब आप भी जब गुजर जाएंगे तब आपको भी छोड़ के चला जाना पड़ेगा। तो ये धन संपत्ति इस नाम का है ये धन संपत्ति टैंक। तो आप जो मेरे को बुलाया इसके लिए बुलाया भोजन दान देने के लिए बुलाया और ये धन संपत्ति देने के लिए बुलाया। ये धन संपत्ति जो भी है लेकिन मेरा काम का नहीं। तो पापा ने राष्ट्रपति जी का पापा ने बुलाया ओके आपके भोजन दान আমার গাড়িতে পিছন রয়েছে আমার আগের একটা গাড়ি ওই গাড়িতে পিছনে একটা লেখা আছে লেখাটি সঞ্চার মানুষ যাতে বন্ধু করা যায় না তারা পশু পর্যায়ে রয়ে গেছে। আমি এটা দেখে মন মন চিন্তা করলাম এটা একটু বুদ্ধের উপদেশ বুদ্ধের উপদেশ তোমরা আগামী জন্মে কি দেবতা হবে না মানুষ হবে না পশু হবে মানুষ
चिंता
सौरभान्ते जी के पास बुद्ध का ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसके लिए जो उसका लोग देश में हो, जो भी उसका पापा ने यह किया था वो उसका आत्मसात कर नहीं सका, तो सौरभान्ते जी ने उसको बुद्ध का उपदेश भी उसके पापा को दिया था। तो बंते जी ने बहुत सारा आशीष बता दिया एक साथ में, मेरे को जो जो याद है वो बता रहा हूँ आपको। तो जो भी दान करता है सब लोगों ने, बहुत सारा लोग ऐसा सोचता है मेरे को मनुष्य जन्म में मनुष्य ना जो हम लोग जन्म लिया वो लोग पुण्य का हिसाब से या आचरण का हिसाब से हम लोग देवता जैसे आचरण करेंगे तो देवता बनेंगे, मनुष्य जैसे आचरण करेंगे तो मनुष्य बनेंगे, और पशु और एनिमल जैसे आचरण करेंगे तो एनिमल बनेंगे। ऐसा ही हम लोग का खुद का आचरण ही होता है, जो आचरण है। तो जो बहुत सारा लोग ऐसा सोचता है मैं दान देने के बाद में मैं बहुत बड़ा पैसा वाला बनू, ऐसा कर कोशिश करता है। तो उन्होंने बता रहा है पैसा वाला आप बनने के बाद विश करने के बाद में भी आपको पैसा वाला बन सकता है, बट आपको व्याधि आक्रमण करेगा। व्याधि क्या है? रोग आपका आक्रमण करेगा, जब बूढ़ा हो जाएगा बीमार आपके पास में आ जाएगा, तो आप पैसा वाला होके भी आपके पास में बीमार आ जाएगा। तो बंते जी खुद के बारे में बताया, मैं अभी 98 ईयर्स का हो गया हूँ, मेरा दांत नहीं है, मेरा आवाज आपके पास में अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, तो एक व्याधि है मेरे का आक्रमण क्या है, जरा मेरे का आक्रमण क्या है। तो दान करने पैसा वाला बड़ा पैसा वाला बन के भी फायदा नहीं है, तो इसके लिए शिव का भी पालन करना चाहिए, तो बुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। बुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा तो आपको ये जो जरा व्याधि है उससे आप मुक्ति मिलेगा। तो बंत जी और बहुत सारा चीज बताया उधर में। एक बंत जी जितना भी पैसा लोगों से दान मिला वो पैसा दूसरा लोगों के लिए एक अर्सा किया, खुद के लिए एक भी पैसा का अर्सा नहीं किया। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट में जितना भी दान मिलता है वो ट्रस्ट में रखता है, और ट्रस्ट समाज का कल्याण के लिए काम करता है, बच्चे लोगों का पढ़ाई के लिए काम करता है, संदे दम्मा स्कूल के लिए फ्राइडे बांग्लादेश में फ्राइडे में बंद करता है, फ्राइडे दम्मा स्कूल के लिए काम करता है। बंत जी के पास में 5-6 आश्रम है, अनाथ आश्रम और गणेश है, अनाथ आश्रम है वो, और गणेश बंत जी के खुद का ट्रस्ट के पैसा से करता है, आज जिनको जिसको जो मदद चाहिए वो ट्रस्ट से मदद करता है। तो आप लोगों को भी करना चाहिए, ऐसा दान करना चाहिए। बंत जी बहुत बड़ा महान ज्ञानी नहीं है, बट बंत जी ऐसा ही करके क्या करता है, खुद के जीवन को सिर पालन करके दान देके
ऐसा एक समाज का कल्याण के लिए काम करता है। तो आपको आप सब लोगों के ऐसा ही करना चाहिए, दान देना चाहिए, दूसरा को मदद करना चाहिए। बंधु जी इधर में आई थिंक जितना दिन आया वो सब दमोदन ने बोला आप खुद 1,000 रुपया कमा रहे तो उधर से हर रोज 1 रुपया दान करो दूसरा को कल्याण के लिए। तो ऐसा करके जो मातृमंडली है तो इधर में तो मातृमंडली भी यह करता है जॉब में जाता है, तो बहुत सारा देशों में मातृमंडली जॉब में नहीं जाता है, ज़्यादातर घर का काम करता है। तो उन्होंने बताया घर का जो या चावल रहता है एक मुट्ठी चावल बाजू में रख के दो तो ज़्यादा हो जाएगा तो वो सेलिंग करने के बाद में बिकने के बाद में जो पैसा मिलेगा वो दूसरा के लिए मदद करो, दूसरा कल्याण के लिए। जो लोग पढ़ा कर नहीं सकता है उसको मदद करो, जिसके पास कुछ नहीं है उसके मदद करो। तो सब लोगों को बंते ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, सब लोगों को मंगल मंत्री करके आप बंते जी का संकीर्त दर्शन में पूरी समाप्त किया। अभी सब लोग बंते जी आशीर्वाद देंगे सब लोगों को। सब मंगल रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सब मंगल रखन्तु सम्मानीयता सम्मा सम्मान भावेन तदा सुखी भवन्तु इति सुखितान्तो ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितान्तो ज्ञातयो उन्नामे उदकं वत्तां यथालिङ्गं भवत्तते एवमेव इतो दिन्नां प्रेतानां उपकम्पति यतावारे परिपूरन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नां प्रेतानां उपकल्पते एतावता च अन्येः सम्पादां पुण्यसम्पदां सभ्यसत्तां सभ्य देवां सभ्य भूतां अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धियां आकाशतां उम्मत्तां देवनागां महेश्विकां पुञ्यन्तां अनुमोदित्वा शिरं रक्खन्तु बुद्ध शासनं बुद्ध देशनं मां परं इमिनां पुण्यकम्मेनां मामेवालां समागमो सतं सामां गमाहोतु यावनिब्बानां पत्यां इदं मे पुण्यां अथवक्खायां वहं होतो निब्बनस्स पच्चायो होतु।